कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह लोकल बाजारों के भाव, बावर्ची वनस्पति, फॉर्चून के बाजारों का भाव क्या रहा, साथ ही साथ टैंकर के भाव की आपको जानकारी देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं यूपी का मोस्ट ब्रांड की बात करेंगे तो बावर्ची वनस्पति की अगर बात करेंगे तो बावर्ची वनस्पति घी का बाजार 15 केजी का बाजारों में जोरदार तेजी के साथ 1545 रुपए का भाव आज बोला जा रहा है। बावर्ची पामोलिन 15 केजी टिन का बाजार 1515 रुपए रहा, जबकि बावर्ची पामोलिन 1 लीटर पाउच का बाजार 93 रुपए हो गया। बावर्ची सोया ऑयल की अगर 15 केजी की बात करेंगे तो 1625 रुपए भाव रहा। बावर्ची सोया ऑयल 1 लीटर पाउच का बाजार 99 रुपए तक रहा। फॉर्चून अगर 15 लीटर की बात करें तो 1620 रुपए फॉर्चून 1 लीटर पाउच का बाजार 115 रुपए रहा। तो सभी बाजारों में जोरदार तेजी देखी जा रही, जबकि बेस्ट चॉइस अगर सोया रिफाइंड की अगर बात करेंगे तो 92 रुपए बेस्ट चॉइस पामोलिन 1 लीटर का बाजार 85 रुपए रहा। अब बात कर लेते हैं बिनोला खल की, बिनोला ऑयल की रेट क्या रहे। कॉटन ऑयल के रेट 10 केजी का 920 रुपए, सनफ्लावर ऑयल 10 केजी का रेट 960 रुपए हो गया। ग्राउंड नट की अगर बात करेंगे तो ग्राउंड नट ऑयल का बाजार भी 1470 रुपए बाजारों में देखा गया। अभी आने वाले समय में ग्राउंड नट ऑयल के बाजारों में और भी तेजी देखने के लिए मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं एनसीआर में टैंकर के भाव क्या रहे। तो राइस ब्रांड के टैंकर के भाव में जोरदार तेजी देखी गई, 80 रुपए वाला बाजार 82 रुपए तक हो गया। सोया ऑयल का बाजार भी 98 रुपए पे कामकाज रहा टैंकर का। सोया डीओ की अगर बात करेंगे तो 96 रुपए, जबकि मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर का बाजार स्थिर बना हुआ है। मस्टर्ड ऑयल की अगर बात करेंगे तो मस्टर्ड ऑयल का बाजार 105 रुपए, कच्ची घानी का एक्सपेलर का बाजार 103 रुपए, पामोलिन का बाजार 92 रुपए, जोरदार तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक लोकल मिल वालों ने होली से पहले ही बाजारों में जबरदस्त तेजी कर दी है, और बाजारों में आपको अगर खरीदारी करनी है तो बाजारों में थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करिएगा, वहां पर खरीदारी करिएगा। आगे आने वाले समय में रमजान और होली का त्यौहार की वजह से आगे आप और भी तेजी देख के चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।